पिछले क्लास बीएससी मैथ्स में हम लोग पढ़ा रहे, प्रॉब्लम चल रहा था ना, एक प्रॉब्लम करे वर्किंग रूल, उसमें आप लोग हम लोग पढ़ चुके थे, वर्किंग रूल पढ़े थे और एक क्वेश्चन किए थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा कि इन ए स्ट्रेट ट्रायंगल एबीसी इफ डी बी एनी पॉइंट इन बीसी देन प्रूव दैट कॉस एडी इंटू साइन बीसी दिस इज इक्वल टू कॉस एडी इंटू साइन सीडी प्लस कॉस एसी इंटू साइन सीडी। ये मगध यूनिवर्सिटी 1996 और 2004 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या बोला है कि किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में डी क्या है, पॉइंट है, बीसी पर डी कहीं पॉइंट है। पिछला क्वेश्चन में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी या एसी जो था, जो भी था। सबसे पहले क्या किया, एबीसी एक स्फेरिकल ट्रायंगल बनाए, डी बीसी पर पॉइंट है, ए से डी को ज्वाइन किया। अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। ओके, सबसे पहले ज्वाइनिंग ए टू डी, लेट एंगल ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू अल्फा, दिस इंप्लाइज एंगल ए डी सी कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल ए बी डी में, एक बार ट्रायंगल ए सी डी में कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, थ्योरम भी प्रूव किए हैं और उसमें वर्किंग रूल में फार्मूला को एक बार रिपीट भी किया गया है। ओके, नाउ वी यूज कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला होता क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी इंटू कॉस ए, यहाँ पर एक एंगल होता है। इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए डी बी इंडिकेट, ए डी बी में चल रहे हैं, ए डी बी क्या लिए, अब यहाँ कॉस ए बी। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कॉस ए बी क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देखो क्या प्रूव करना है, कॉस ए बी लाना है और क्या लाना है, कॉस ए सी, क्योंकि कोसाइन फार्मूला रहे हैं तो कॉस ही लेंगे, साइन तो ले नहीं सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लाना है ए बी कॉस ए बी और कॉस ए सी। तो राइट वाला आप देख लो उसके हिसाब से करेंगे। तो क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए बी लाना है तो कॉस ए बी ले लिए, तो कॉस ए बी लेंगे, यहाँ पर देखो कॉस ए है तो बी और सी आता है उसको छोड़ करके, तो कॉस ए बी लिए तो ए बी को छोड़ देंगे, ए बी को छोड़ेंगे, अब क्या बचेगा, ए डी बचेगा और क्या बचेगा, बी डी, तो कॉस ए डी इंटू बी डी प्लस साइन ए डी इंटू साइन बी डी इंटू इसका ए बी का सामने का एंगल कॉस अल्फा, इक्वेशन वन मान लेंगे। एंड पुनः चलेंगे, इन स्फेरिकल ट्रायंगल ए सी डी एंड इन स्फेरिकल ट्रायंगल ए डी सी में चलेंगे, तो क्या लिए हैं, ए सी लेंगे, कॉस ए सी, ए सी को यहाँ रखो, कॉस ए सी को अगर ए सी लेते हैं हम लोग तो ए सी को छोड़ना पड़ेगा, तो कॉस ए डी इंटू कॉस सी डी, कॉस ए डी इंटू कॉस सी डी प्लस साइन सी डी इंटू साइन ए डी इंटू साइन सी डी इंटू इसके सामने का ए सी के सामने का एंगल कितना, कॉस पाई माइनस अल्फा। ओके, अब इसको लिखें कॉस ए सी को ए सी लिखें, ये जो ऊपर था सेम का सेम, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्यों, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है इसे प्लस का क्या हो गया, माइनस साइन ए डी को ए डी, साइन सी डी को सी डी और कॉस पाई माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का इक्वेशन टू मानेंगे। अब देखो क्या करते हैं, ये साइन ए डी इंटू साइन सी डी इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पर देखो साइन ए डी इंटू साइन बी डी इंटू कॉस अल्फा, तो उसमें क्या नहीं है, तो साइन बी डी नहीं है, इसमें क्या नहीं है, साइन सी डी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि वन में साइन सी डी से गुना कर देते हैं और टू में साइन बी डी से कर रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, वन में साइन सी डी से और टू में साइन बी डी से कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा और ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें साइन सी डी स्पेशल बोल रहे हैं, इक्वेशन वन में साइन सी डी से और इक्वेशन टू में साइन बी डी से और दोनों हो जाएंगे सेम, और सेम ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, लिख नहीं रहे, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। नाउ वन इंटू कितना, साइन सी डी प्लस टू इंटू साइन बी डी, गेट वन में करो साइन कितना से सी डी से, तो कॉस ए बी इंटू साइन सी डी, कॉस ए बी इंटू साइन सी डी प्लस करना है तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले साथ, राइट वाले को राइट वाले साथ ऐड करते हैं। ओके, इसमें कॉस ए सी इंटू साइन बी डी, इसमें साइन बी डी से मल्टीप्लाई किया गया था, अब इसमें देखो साइन सी डी से गुना करेंगे तो कॉस ए डी इंटू कॉस बी डी इंटू साइन सी डी, तो कॉस ए डी इंटू कॉस बी डी इंटू साइन सी डी प्लस, इस तो कट जाएगा इसलिए इसको नहीं लिखा जा रहा है, डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो कॉस ए डी इंटू कॉस सी डी इंटू साइन बी डी, कॉस ए डी इंटू कॉस सी डी इंटू साइन बी डी। ओके, अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉस ए डी और कॉस ए डी क्या है, कॉमन है, कॉस ए डी हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो साइन सी डी इंटू कॉस बी डी प्लस कॉस सी डी इंटू साइन बी डी फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, कॉस ए डी तो साइन ए प्लस बी तो साइन सी डी प्लस बी डी, अब देखो सी डी प्लस बी डी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा बी सी, हो गया साइन बी सी, इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं, जो ऊपर आपका था उसको राइट में लिखते हैं,
हेंस cos AD into sin BC दिस इज इक्वल टू cos AB into sin CD plus cos AC into sin BD। यही तो प्रूफ कर रहा था, हेंस प्रूफ। इसमें जो क्वेश्चन जो है इजी है, प्रॉब्लम ज्यादा भारी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा भारी नहीं है। हम लोग जो थ्योरम था उसी को थोड़ा सा समझना है, प्रॉब्लम सारा का सारा इजी है, इसको नोट्स करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है तीसरा नंबर क्वेश्चन। इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी इफ थीटा विद आर्क बाइसेक्टिंग द एंगल, आर्क है जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल के को, ओके, एंड टर्मिनेटेड बाय द अपोजिट साइड, और कहां टर्मिनेट कर रहा है, उसके अपोजिट साइड पर टर्मिनेट कर रहा है, तो प्रूव दैट 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉस ए बाई टू दिस इज इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट सी, ये पूछा हुआ है। और बार बार बोल रहे हैं कि कहां तक पूछा हुआ है, आप अपने क्वेश्चन बैंक से अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, अदर वे में क्या पूछेगा, इफ ए डी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल सी ए बी ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट कॉट ए डी, यहाँ पे ए डी दिस इक्वल टू 1/2 कॉट बी प्लस कॉट सी इंटू सेक ए बाई टू, उसी को इस वे में पूछ सकता है। सबसे पहले क्या बोला कि ए बी सी एक स्फेरिकल ट्रायंगल ले लिए और यहाँ पे डी पे टर्मिनेट कर रहा है, कहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, डी पे टर्मिनेट कर रहा है, AD है से आर्क है जो एंगल A का बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्ट का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये A by 2, यहाँ पर भी A by 2, इसको अल्फा मान लिए, ये कितना रहेगा पाई माइनस अल्फा, अब AD को क्या मान लिए, थीटा मान लिए, जो आर्क बाइसेक्टिंग है उसको थीटा मान लिए, ओके। उसी चीज को हम लिखते हैं, लेट ए बी सी बी स्फेरिकल ट्रायंगल, अगेन लेट AD इक्वल टू थीटा, AD को क्या मान लिए है, थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉट AD है, यहाँ पर क्या है कॉट थीटा है, इसलिए AD को क्या माना गया है, यहाँ पे थीटा माना गया है। विद द आर्क बाइसेक्टिंग द एंगल A, A को बाइसेक्ट कर रहा है एंड टर्मिनेटेड बाय द अपोजिट साइड एट कहाँ पे, टर्मिनेटेड बाय द अपोजिट साइड BC एट D, सो दैट एंगल BAD इक्वल टू A/2 एंगल CAD इक्वल टू A/2। इफ वी टेक ADC इक्वल टू अल्फा, ADC अल्फा लेंगे तो ADB कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। अब क्या करें, कोटेंजेंट फॉर्मूला पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें फोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के लिए याद है, इफ वी टेक सॉरी वी यूज कोटेंजेंट फॉर्मूला फॉर फोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, फोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, कॉस इनर साइड इंटू कॉस इनर एंगल दिस इज इक्वल टू साइन इनर साइड इंटू कॉट अदर साइड माइनस साइन इनर एंगल इंटू कॉट अदर एंगल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हम चल रहे हैं इन स्फेरिकल ट्रायंगल सी ए डी, किसमें चल रहे हैं हम लोग, यहाँ देखो फिगर में सी ए डी में चल रहे हैं, इन स्फेरिकल ट्रायंगल सी ए डी इफ वी टेक फोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स बी ए बाई टू थीटा और अल्फा, बी बी के सामने का साइड क्या हो जाएगा, बी के सामने का साइड क्या हो जाएगा, बी बी और सी के सामने है क्या हो जाएगा, सी बी लिए और क्या लिए, ए बाई टू लिए थीटा अल्फा, फोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट लिए, ये हो जाएगा आपका इनर एंगल, ये हो जाएगा इनर साइड, हो जाएगा ना, पहले पढ़ते हैं, इनर एंगल दो साइड के बीच में इनर एंगल और दो एंगल के बीच में इनर साइड, देन एबव फॉर्मूला बिकम, जो ऊपर वाला फॉर्मूला हो क्या हो जाएगा, तो कॉस इनर साइड, इनर साइड क्या है थीटा, यहां पर देखो दो एंगल के बीच में, एक बार समझा रहे हैं दोबारा समझाया नहीं, ए बाई टू और अल्फा क्या है, दो एंगल है, दो एंगल के बीच में क्या है साइड थीटा, कॉस इनर साइड तो लिखे कॉस थीटा, फिर कॉस इनर एंगल तो दो एंगल दो साइड के बीच का एंगल ए बाई टू तो कॉस ए बाई टू, ओके। अब कह रहा है कि साइन इनर साइड, इनर साइड क्या है थीटा, तो यहाँ पर लिखे साइन थीटा इंटू कॉट अदर साइड, तो अदर साइड तो बी है तो कॉट बी लिख दिए यहाँ पे, ओके। अब क्या करें, होता है साइन इनर एंगल, तो इनर एंगल कितना है ए बाई टू इंटू साइन अदर साइड, तो साइन साइन अदर एंगल सॉरी अदर एंगल कितना अल्फा, इसको एक क्वेश्चन वन मान लेंगे, ओके। अगेन पुनः एंड इन स्फेरिकल ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी में चल रहे हैं, बी ए डी में अब तक जितना भी क्वेश्चन देखे हैं दोनों स्फेरिकल ट्रायंगल में चल रहा है, ओके। तो इसमें इन स्फेरिकल ट्रायंगल बी ए डी इफ वी टेक फोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स सी सी ए बाई टू थीटा पाई माइनस अल्फा, सी ए बाई टू थीटा पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, तो होता है कॉस इनर एंगल, इनर एंगल सॉरी कॉस इनर एंगल, इनर एंगल यहाँ पर कितना है हम लोग का, कॉस इनर साइड,
तो cos इन द साइड कितना थीटा, यहां पर होता cos इन द साइड तो cos थीटा इनटू cos इनर एंगल a/2 तो का sin अदर sin इनर साइड तो sin थीटा इनटू cot अदर साइड, तो अदर साइड में क्या है c, तो cot c यहां पर देखो, फिर क्या होता है sin इनर एंगल तो sin a/2 यहां पे sin a/2 ठीक है, फिर होता है cot अदर एंगल तो pi - alpha, इसको और लिख देते हैं cos थीटा इनटू cos a/2 ओके, sin थीटा इनटू cot c, यहां पे c छूट गया है ओके, और cot pi - alpha सेकंड पार्ट में जा रहा है, सेकंड पार्ट में क्या होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, sin a/2 इनटू cot alpha इसको कितना मान लेंगे इक्वेशन 2। यहां तक पहले तुम नोट करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे इसमें, इसके बाद करेंगे ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को ऐड करेंगे, ध्यान दो ये प्लस में माइनस में, माइनस प्लस क्या होता है कट जाएगा, तो डायरेक्ट ये कर लेते हैं, इसको तुम लोग ऐड कर लेना, इसको पहले नोट करो। तो यहां तक नोट करने के बाद क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, ये जो दोनों इक्वेशन है 1 और 2 तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू cos a/2, cos थीटा इनटू cos a/2 2 है तो 2 हो जाएगा 2 इनटू cos थीटा इनटू a/2 सॉरी cos a/2 ठीक है, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, इसको नहीं ऐड करते हैं, इसको sin थीटा इनटू cot b, sin थीटा इनटू cot c, ये हो जाएगा sin थीटा इनटू cot b प्लस sin थीटा इनटू cot c। अब क्या करते हैं इसमें दोनों कॉमन क्या है, sin थीटा कॉमन है, sin का कॉमन निकालो ना, डायरेक्टली डिवाइड कर दो ना, हमको साइन का आना ही नहीं है, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा या फिर साइन का कॉमन निकाल लो, एक में ग्रुप करना था तो 2 cos थीटा इनटू cos a/2 साइन थीटा cot b प्लस cot इतना तक प्रूव करना, अगर इतना प्रूव हो जाएगा इसके आगे भी कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय साइन थीटा ऑन बोथ साइड भी गेट, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन हो जाएगा तुमको 2 कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा ओके इनटू इधर जा कॉस ए बाय टू ओके, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, साइन से साइन कैंसिल cot b by b plus cot c, अब देखो यहाँ पे 2 cot theta equal to क्या हो जाएगा cot b plus cot c upon 2 cos a by 2, और theta को इतना ही प्रूफ है, भी प्रूफ हो गया, इतना भी आएगा तो इतना ही प्रूफ हो जाएगा, उतना कहेगा तो इतना ही प्रूफ हो जाएगा, जितना बोलेगा, और थीटा को फिगर में देखना, फिगर में AD इक्वल थीटा इक्वल क्या लिखे AD, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, इसलिए cot थीटा लिखे cot AD, थीटा को लिखे AD, 2 से डिवाइड किए, 2 से क्या किए डिवाइड किए, तो कितना हो जाएगा 1/cot b प्लस cot c इनटू sec a/2, ये भी आया था, दूसरा जो क्वेश्चन था ये भी पूछा था ठीक है ना, और इतना भी हम लोग को मेन जो पूछा था हम लोग का कहाँ तक पूछा था हम लोग को, मेन जो हम लोग को पूछा था 2 cot यहाँ तक पूछा था, ये चीज हमको पूछा था, पहला क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया यहाँ तक, और सेकंड वाला में ये पूछा था तो ये भी प्रूफ हो गया यहाँ तक ओके, इसको नोट्स कर लो, यहाँ से नोट्स करना, इसके बाद यहाँ से एक बार आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे ना, और अगले क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4-5 जो ही पढ़ना होगा,
सारे एक बार बार बोल रहे हैं, सारे थ्योरम और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को रिवाइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थ्योरम को ज़्यादा रिवाइज करें, बीएससी में ज़्यादा थ्योरम से पूछते हैं और प्रॉब्लम थोड़ा सा कम पूछता है। ओके, लास्ट में इतना ही, ठीक है।